हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग में। तो गाइस, आज की सब्जी देखने के बाद आपके घर में अगर कोई कुंदरू की सब्जी नहीं खाता है तो यकीन करो गाइस, इस तरीके से अगर आप घर में कुंदरू की सब्जी बना के खिलाओगे 100% गारंटी जो नहीं खाता है, जो कभी ज़िंदगी में नहीं खाया है, वो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुंदरू को बहुत अच्छे से धुल के क्लीन कर लिया है। अब इसको दोनों साइड का जो हिस्सा कट करके फेंक देंगे और फिर कुंदरू को बहुत डीप कट करना है, 4-5 कट इस तरीके से डीप कट करना है, ताकि जो भी मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे वो अंदर तक अच्छे से जा पाए और कुंदरू खाने में बहुत ही टेस्टी हो। तो सारे कुंदरू को मैंने कट कर लिया, बहुत अच्छे से डीप कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ा साइज का प्याज और टमाटर छोटे साइज का लेंगे, चूँकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है। अब इसको बड़े बड़े स्लाइसिस में कट कर लेना है, ताकि इसको हमें एक ग्रेट करना है, मतलब बारीकी से पीसना है, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे। तो चूँकि मुझे इसका जो मसाला बनाना है दरदरा बनाना है, फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जैसे जैसा हम चाहते थे वैसा हमारा मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच तेल, तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर कुंदरू को हम इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, यानी कि जितना कुंदरू है उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालोगे और इसको बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि हमारा जो कुंदरू है आधे से ज़्यादा फ्राई करते समय ही गल जाए। क्योंकि याद रखें, अगर ये गलेगा नहीं तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमारा जो कुंदरू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, और फिर तेल हम नहीं डालेंगे, उसी तेल में हम सब्जी को बनाएंगे। फिर जो हम ग्रेट करके मसाला रखे थे इसमें डाल दिए हैं। फिर इसमें सूखे मसाला में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ किया हमने यहाँ पे। गरम मसाला का रेसिपी आपको चाहिए तो अब मेरे चैनल में मिल जाएगा, ये होममेड गरम मसाला है। तो हमारा जो मसाला है, देखिए धीमी आंच पे मैंने 10 से 15 मिनट तक पकाया, हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप पानी ही ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो कुंदरू है थोड़ी देर तक इसमें पकाना है गलने तक, इसलिए हम कम ही इसमें पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुंदरू को हम डाल दिए हैं, अब इसको ढक के हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे। ध्यान रखें, अगर कुंदरू के अंदर मसाले आपके नहीं जाएंगे तो आपको खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे आप इसको पकाएं ताकि अंदर तक सारे मसाले चला जाए। तो इसको ढक के हमने पकाया, देखिए जितना हमको चाहिए, एकदम लटपटा सा सब्जी बनाए हैं, एकदम बहुत ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से बना के आप अपने घर में ट्राई करना गाइस, 100% गारंटी। अगर आपके घर में कोई कुंदरू ज़िंदगी में नहीं खाया है, वो आपसे मांग मांग कर खाएंगे, 100% गारंटी। तो देर किस बात की, फटाफट से गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करके खाइए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और जो बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए, सबसे पहले आप देख पाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।